गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं आज आप बना रही हूँ मेरे बेटे एमी के लिए मूंग दाल की खिचड़ी। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए रेसिपी। तो मैं अपने बेटे के लिए किस तरह से खिचड़ी बनाती हूँ, तो चलिए आइए देखिए। सबसे पहले मैंने लिया है लहसुन, मैंने दो लहसुन लिए हैं, इसे बारीक बारीक कट कर लिया है। ये मेरे पास एक गाजर थी, इसे भी मैंने कट कर लिया है बारीक बारीक। आधा टमाटर और मेरे पास लौकी थी तो मैंने इसे भी ले ली थोड़ी सी। आप अपने मनपसंद की कोई वेजिटेबल्स इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने ली है ये मूंग और दाल और चावल, इसे भी मैंने धो के वॉश रख लिया है। तो चलिए आइए बनाते हैं। मैंने गैस पे कुकर रख दिया है, इससे थोड़ा गर्म होने पर इसमें मैं बहुत थोड़ा सा घी ऐड करूँगी। घी डालने के बाद इसे गर्म होने पर इसमें हमें डालेंगे जीरा, और मैंने इसमें थोड़ा सा डाला था हींग। देखिए जीरा हमारा फ्राई हो चुका है, इसमें हमने डाला है जो कटा हुआ लहसुन था उसे ऐड किया है। कटे हुए लहसुन को थोड़ा सा फ्राई होने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने कट करके रखी थी वेजिटेबल्स, उसे ऐड करेंगे। प्लीज़ दोस्तों, यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा। ये देखिए वेजिटेबल्स मैंने इसमें ऐड कर दी है। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और मूंग दाल और चावल, इसे मिक्स करके इसमें हम पानी डाल के थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे इसमें, और इसकी 2 से 3 सीटी हम लगा लेंगे। आप इसमें कोई भी अपनी पसंद की फेवरेट वेजिटेबल्स डाल सकते हो जो आपका बेबी खा ले। देखिए अभी मैं 2 से 3 सीटी इसमें लगा ली थी। अभी मेरी खिचड़ी, हेल्दी सी खिचड़ी बिल्कुल रेडी है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें जो पानी दिख रहा है ना एक्स्ट्रा, वो मैं से थोड़ा सा एक बाउल में निकाल लूँगी और ये जो खिचड़ी है इसे मिक्सी जार में डालकर एक बार घुमा लूँगी ताकि इसकी एक प्योरी सी बन जाए। और ये खिचड़ी प्योरी मैं अपने बेबी को खिलाऊंगी, और जो पानी होगा वो पानी भी पूरे दिन मैं थोड़ा थोड़ा अपने बेबी को पिलाऊंगी। ये देखिए हमारी खिचड़ी बिल्कुल रेडी है। ये देखिए प्योरी इस तरह से बनेगी ताकि आपके बेबी को खाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये 6 से 7 मंथ का बेबी आसानी से इसे खा सकता है। ये बहुत ही झटपट बन जाती है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और यह बहुत हेल्दी होती है। तो मैं इसे अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। बाय, टेक केयर।